इसी श्रृंखला में एक और नई कहानी में मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो आइए नई कहानी में प्रवेश करते हैं। इस कहानी का नाम है अमीर और गरीब। तो राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में राजगुरु ने कहा, महाराज यदि गरीब और अमीर में ईमानदारी की तुलना की जाए तो अमीरों की तुलना में गरीब अधिक बेईमान होते हैं। तेनाली राम ने राजा से कहा, मैं राजगुरु की बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। इसीलिए तेनाली ने राजा से पैसों से भरी दो थैलियाँ ली। भाई तेनालीराम ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है कि गरीब व्यक्ति बेईमान हो। तो वो उनके जो विचारों से थे वो असहमत थे, तो उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए राजा से कहा और फिर राजा जी से उन्होंने दो पैसों से भरी हुई थैलियाँ ले ली। आप देखते हैं आगे उन्होंने क्या किया। तेनाली ने उन दोनों थैलियों को रास्ते में अलग अलग जगह रख दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली को देखा और अपनी खुशकिस्मती समझकर उसे अपने पास रख लिया। भाई जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें जब धन प्राप्त होता है तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ सोचा और उन सिक्कों की थैली को अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद ही एक गरीब आदमी उसी रास्ते से गुजरा और सोने के सिक्कों से भरी थैली को देखकर सोचने लगा, अरे लगता है किसी की थैली यहाँ पर छूट गई है। वह व्यक्ति अपने धन के लिए बड़ा परेशान हो रहा होगा, मुझे यह थैली अवश्य ही राजकोष में जमा करवा देनी चाहिए। यह सोचकर वह उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को राजकोष में जमा कराया। तब तेनाली राजमहल गए और राजा को ये सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। राजा ने अगले दिन गरीब और अमीर दोनों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। पहले राजा अमीर व्यापारी से बोले, क्या बोले, तुम्हें रास्ते में जो सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली थी वह कहाँ है। व्यापारी बोला, मैंने उसे लक्ष्मी की कृपा मानकर अपने पास रख लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि अमीर व्यक्ति यही सोचता है कि उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। अब राजा ने गरीब व्यक्ति से पूछा, तुमने सोने के सिक्कों से भरी थैली को राजकोष में जमा क्यों करवाया। तब गरीब व्यक्ति बोला, महाराज मैं उस धन को कैसे ले सकता था जो मेरा नहीं था। दोनों की बातें सुनने के बाद तेनालीराम राजा से बोले, महाराज इस पूरी घटना से सिद्ध हुआ कि गरीब व्यक्ति अमीर की तुलना में अधिक ईमानदार होता है। राजगुरु एक बार फिर अपनी हार पर शर्मिंदा थे और उनका जो विचार था कि गरीब व्यक्ति जो है वो बेईमान होता है, तो वो जो उनकी सोच थी वो गलत साबित हो गई, तो इसके लिए वे बहुत शर्मिंदा हुए। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी। आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा ये है कि हमें कभी भी गरीब और अमीर देखकर ये नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वह उसकी नियत किस तरह की होगी, वह क्या सोचता होगा। और ज़रूरी नहीं कि हर गरीब व्यक्ति या हर अमीर व्यक्ति ईमानदार हो या बेईमान हो, है ना। बस हमें अपने विचारों को और अपनी नियत को साफ रखना है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते।